बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू बीबीसी 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं सहीवाल से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां नवीद असलम पर कातलाना हमला किया गया है। इस हमले के दौरान वो शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। इस हवाले से हमने अपने नुमाइंदे काशिर सईद से इस हवाले से मालूमात भी हासिल की हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक पुलिस को दरख्वास्त भी दे दी है। उस दरख्वास्त में उनका कहना है कि वो बहुत पुराने कस्टमर हैं जीपीओ सहीवाल के, लेकिन मुसलसल काफ़ी अरसे से वो अपनी पेमेंट्स के हवाले से वहाँ पर मालूमात के लिए जाते थे और मालूमात लेने की ही पादाश में वहाँ पर उनको ना सिर्फ महबूस किया गया, वहाँ पर जो वहाँ पे लेडी पोस्ट ऑफिसर सोफिया कासम है उन्होंने अपने हमले के ज़रिए उन्हें वहाँ पे मारा पीटा भी, और उसके बाद उन पे कार्य सरकार का मुकदमा भी दर्ज करवाया। तो ये काफ़ी अरसे से नाज़रीन ये मुकदमा उनका चल रहा था, और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर एक मेडिकल बोर्ड जो है वो भी, उसकी तारीख भी एक दिन बाद थी। लेकिन मियां नवीद असलम ने जो पुलिस को दरख्वास्त दी है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि वहाँ पर मैं आज के दिन यानी 27 तारीख को जब मेरा मुलाजिम वहाँ पर किसी काम के सिलसिले में जीपीओ जाता है तो वहाँ पर मैडम सोफिया जो हैं वो उनको कहती हैं कि हम जो तो आपके जो बॉस हैं वो जिस तरह से हमें यहाँ पे तंग कर रहे हैं तो उनको हम इस चीज़ का मज़ा चखाएंगे। तो इसी हवाले से जब मियां नवीद असलम का उस दरख्वास्त में कहना है कि जब मैं रैली से फारिग होकर निकला हूँ, कश्मीर डे के हवाले से एक रैली थी, तो वहाँ से जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो गाड़ी में बैठा हूँ तो मुझ पर 4 से 5 नामालूम मुसल्ला अफराद ने हमला किया और उनको शदीद तरीन ज़दोकोब किया और बाकायदा पिस्टल के बट मारते रहे, छुरी के वार करते रहे। तो इस हवाले से उन्होंने वहाँ पर भी एक बयान दिया है, उनका क्या कहना है आइए देखते हैं। जी, मैं रैली से निकला हूँ, यहाँ कश्मीर रैली है, अभी डीसी साहब भी साथ थे, तो मैं ये गाड़ी में बैठने लगा हूँ तो ऊपर से आए कुछ 4-5 लोग, आते ही उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अभी मुझे नहीं पता कौन लोग थे, मैं आपकी दुश्मनी है, कुछ शरारत हुई है? देखिए, कुछ है लोग ऐसे मेरे मुखालफीन हैं, मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर से मतलब ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, अभी मैं देखता हूं। आप शहरदार हो, पुराने शहरी लोग थे ये, बैठ से लोग थे? नहीं, मुझे अभी उनके मैं पहचान नहीं सकता, मैं अगर सामने आएंगे तो मैं पहचान लूंगा, अभी ऐसे नहीं। उनका कहना है कि इस हमले में वो शदीद तरीन ज़ख्मी हुए और शोर ववेला करने पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जमा भी हुए, जिसमें उन्होंने दो गवाहान के नाम भी बताए हैं और उन्होंने कहा है कि वो जो मुलजमान हैं उनको सामने आने पर पहचान भी सकते हैं। इस हवाले से उनका कहना है कि मेरे साथ इंतहाई सख्त ज़्यादती हुई है और सोफिया कासम जो हैं उनकी इमा पर मुझे कत्ल और अगवा करने की कोशिश के दौरान शदीद ज़ख्मी किया गया है, और इन्होंने इस हवाले से अपनी डॉक्टरी मुआयना के लिए भी दरख्वास्त दी है। नाज़रीन, इस हवाले से जो भी पुलिस के पास एविडेंस आते हैं उनको ना सिर्फ इस पर कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि ऐसे जो दरिंदा सिफ्त जो मुलजमान हैं उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी निहत्ते शहरी पर इस तरह से हमला करना और इस तरह से सरेआम उसको मारना पीटना और कत्ल और अगवा करने की कोशिश करना ये इंतहाई ज़्यादती है, ये तो एक ऐसे जंगल का कानून है। और ये सहीवाल पुलिस के लिए भी एक टेस्ट केस है और हम इसको ज़रूर देखेंगे कि सहीवाल पुलिस जो है इस हवाले से क्या काम करती है और किस तरह से इस केस को डील करती है। हम उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो मियां नवीद असलम हैं उनको इस हवाले से ज़रूर इंसाफ मिलेगा, और ये एक ऐसा अमल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है।